दो अक्षय, आखिरी बॉल ये ओवर की, फिर एक बार देखते हैं रितेश क्या कर पाते हैं, अपनी टीम के लिए कितना रन बिटोर पाते हैं बॉल पे। फिर एक बार चार के खेलने की कोशिश थी, पूरी तरह से बीट हुए यहाँ पे और कीपर ने कोई गलती नहीं की और एक बड़ा विकेट गिरता हुआ मुंबई ड्रीम्स का। रितेश पाटिल के रूप में अब आए हैं नंबर 5 फरहान खेलने के लिए यहाँ पे। और दूसरे ओवर की जो कमेंट्री है वो करेंगे विनोद गुप्ता जी, जो कि बहुत ही फ्लुएंसी से मराठी और हिंदी दोनों भी कमेंट्री करते हैं, एक नॉन पर्सनालिटी मीरा भाईंदर में कमेंटेटर विनोद गुप्ता जी। एक ओवर च्या समाप्तीनंतर धावसंख्या नक्कीच 2 आहे। पहिला ओवर मध्ये बोलबाला राहिला रॉल्सन टीमचा आणि मॅन फ्रॉम थाना म्हणजे रितेश पाटील पाठवला डगआउट मध्ये, अक्षय सोनी मॅन फ्रॉम मीरा भाईंदर आणि मीरा भाईंदर मध्ये सातत्याने खेळत असताना देखील त्याचा नावाचा बोलबाला आहे। मात्र पहिल्या ओव्हर मध्ये आपली ताकद आपली स्ट्रेंथ त्यांनी दाखवली आहे बॉलिंग मध्ये, काय लाजवाब षटक टाकला या ठिकाणी लॅबो आणि रितेश पाटीलला पूर्णपणे जखडून ठेवला होता, कुठल्याही प्रकारचा चान्स दिला नाही मोठे फटके खेळण्यासाठी। धावसंख्या स्कोर बोर्ड वर आहे फक्त आणि फक्त 2 धावा, स्ट्राइक एंड ला नक्कीच सर्वांची निगा आहे ज्या खेळाडूवर सातत्याने ज्यांच्या अनेक प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवला असा खेळाडू राहुल सुरवाडे उर्फ लाबो खेळण्यासाठी सज्ज झालाय स्ट्राइक एंड ला। यावेळी जबरदस्त फटका होता नक्कीच हवेत बॉल होता आणि या ठिकाणी या दरम्यान कॉलिंग व्यवस्थित केला जात आहे आणि एक धावा देखील कम्प्लीट केला जात आहे। जबरदस्त फटका लागला होता या ठिकाणी आणि प्रथमच स्ट्राइक एंड ला आपण पाहतोय फरहान यांना, एक डावखुवाताचा फलंदाज आहे। मात्र आता मुंबई ड्रीम संघ कुठेतरी नक्कीच तडफडत आहे धावा करण्यासाठी, कारण धावा स्कोरबोर्डवर फक्त आणि फक्त 3 झालेले आहेत आणि टफचा विचार केला तर खूपच मोठा टफ आहे। कधी आपण पाहतोय मीरा मैदानामध्ये खूप छोटे छोटे टफ देखील आहे, मात्र हे टफ भरपूर मोठा आहे। या मैदानावर आपण ओरमची मॅच देखील पाहिलेली आहे, मात्र बॉलिंगसाठी तयार ओव्हर नंबर 2 आणि या ओव्हरमधील दुसरा बॉल फेकण्यासाठी। त्यावेळी जबरदस्त फटका नजाकत या ठिकाणी दाखवली आहे बॅट्समॅननी, स्वीप केला जात आहे या बॉलवर 1 रन। गट्टी पुन्हा एकदा बॉलिंगसाठी तयार लॅबोसाठी, जबरदस्त फटका या ठिकाणी चान्स बनवला गेला जात आहे आणि जबरदस्त झेल देखील आणि लॅबो ज्याच्यावर सर्वांची निगा होतो तो नाराज करतोय आणि विकेट नंबर 2 मुंबई ड्रीम संघासाठी। या ठिकाणी परत असताना आपण पाहतोय लॅबो सुरवाडे बॅक टू द पवेलियन। नंबर 4 वर रवी फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये, दानिश पहिल्या ओव्हरमध्ये जसा बोलबायला राहिला अक्षय सोनीचा त्यानंतर गट्टी देखील जबरदस्त बॉलिंग करतोय। आतापर्यंत प्रभावित केलाय रॉशनलच्या सर्व खेळाढूंनी देखील, कारण मुंबई सारख्या बलाढ्य टीमला आतापर्यंत रोखून ठेवलंय। तर नवीन फलंदाज डॅनिश एक अजून जबरदस्त हार्ड हिटर फलंदाज खेळण्यासाठी या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। 2 विकेट गेल्यानंतर पाहूया आपल्या संघासाठी कशा प्रकारे फलंदाजी करेल। यावेळी जबरदस्त बॉल आणि नक्कीच भरपूर वेग होता, अंपायरने सिग्नल दिलेला आहे आणि डेड बॉलचा सिग्नल अंपायरचा या ठिकाणी आलेला आहे। अंडरम क्रिकेटमध्ये तुम्ही भन्नाट वेगाने बॉलिंग करू शकत नाही, टफ क्रिकेटमध्ये तोच नक्कीच पंचांनी देखील पाहिला होता। यावेळी जबरदस्त बॉल फुलरलेनचा बॉल होता, रनआउटची धोका आणि यावेळी खरा थ्रो हर्ष गांधी त्या ठिकाणी आहे, अनुभव थोडासा कमी आहे मात्र तेच करताना या ठिकाणी पाहायला भेटला, कारण हर्ष हातामध्ये बॉल गेला होता, एक चान्स होता या ठिकाणी। मी म्हणेल हे 50-50 देखील नाही, हे कमीत कमी 80-20% असा चान्स होता, त्या चान्स या ठिकाणी गमावलेला आहे, नाहीतर डॅनिश सारखा फलंदाज देखील डगआउटमध्ये गेला असता। मात्र इकडे जर आणि तरला क्रिकेटमध्ये महत्व दिला जात नाही आहे, या बॉलवर देखील एक धावा येत असताना आपल्याला पाहायला भेटत होता। असंख्य स्कोर बोर्डवर आहे 5-5, लॉस ऑफ 2 विकेट, सेकंड ओव्हर इज गोइंग ऑन। प्रथम बॅटिंग करत असताना आपण पाहतोय मुंबई ड्रीम्स टीमला, यावेळी जबरदस्त फटका साजवला त्या ठिकाणी, धीरज जैन आहे ते देखील कुठली चूक करणार नाही आहे। फलंदाज फरहानला देखील जावं लागेल डगआउट मध्ये, विकेट नंबर 3 मुंबई ड्रीम्स प्रथम बॅटिंग करत असताना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटत आहे।
एक जबरदस्त टॅलेंटेड स्किल प्लेअर नक्कीच बॅटिंगसाठी दाखल झाला अरविंद. एक जबरदस्त हार्ड हिटर विस्फोटक फलंदाजीसाठी ज्याची ख्याती आहे संपूर्ण या अंडरम क्रिकेटमध्ये तोच बॅटिंगसाठी उतरलाय अरविंद. मात्र त्याचा नावाचा बोलबाला या मीरा भाईंदरमध्ये कसा होईल पाहूया. या मॅचमध्ये रॉयल्सनं पूर्ण प्रेशर बनवलंय आतापर्यंत. त्याला चांगला फटका त्या ठिकाणी धीरज आहेत आणि बॉलला स्टॉप केला जात आहे. अक्षय सोनीच्या माध्यमातून बॉलला पिकअप केला जात आहे आणि थ्रो देखील केला जात आहे. दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर आहे सहा. पहिल्या ओव्हरमध्ये तीन धावा, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील तीन धावा. पहिल्यामध्ये दोन होते आणि सेकंड ओव्हरमध्ये चार आणि ओव्हरऑल दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या या ठिकाणी स्कोरबोर्डवर सहा पाहायला भेटत आहे. थँक्यू विनोद. थँक्यू विनोद. दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 6 रन. यहाँ पे मुंबई ड्रीम्स के विकेट बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे गिर रहे हैं. देखना है अभी क्या कर पाते अरविंद यहाँ पे और दानिश फारूक जो कि बहुत ही अच्छा खेलते हैं. टाइम पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं दानिश फारूक. देखना है क्या कर पाते. अब मुनाफ तीसरी ओवर लेके आएंगे रॉयल चैलेंजर्स के लिए. अरविंद स्ट्राइक पे फिर एक बार तैयार. देखते हैं क्या कर पाते हैं ये बॉल पे. और बहुत ही सूझबूझ से खेल रहे हैं यहाँ पे अरविंद. और यहां से मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई ड्रीम्स को थोड़ा एक पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है. नहीं तो ये वही हाल होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो हाल हुआ इंडिया का वो यहाँ पे मुंबई ड्रीम्स का हाल दिखता हुआ मुझे. और यहाँ पे अंपायर का डिसीजन देखना है क्या है. अंपायर का डिसीजन देखना है. देखना है अंपायर का डिसीजन क्या है. अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा. दोनों ही अंपायर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अंपायर है. आपस में बातचीत करते हुए यहाँ पे. और अंपायर डिसीजन का अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा. वाइड बॉल बहुत ही अच्छा डिसीजन यहाँ पे अंपायर का. वाइड प्लस वन डिक्लेयर जोन में बॉल गई. अभी डिक्लेयर जोन में बॉल गई. 8 रन हो गए यहाँ पे. फिर एक बार मुनाफ तैयार अरविंद तैयार. चढ़ के खेलने की कोशिश मिलेगा सिर्फ एक रन. धीरज के हाथ में सीधा बॉल गई. फिर एक बार दानिश फारूक आए. पिछले सीजन में बहुत ही अच्छा सीजन था दानिश के लिए लेकिन इंजर्ड पे इंजर्ड होने के बावजूद यहाँ पे ये टूर्नामेंट खेलने आए. जो जीतेगा वो सिकंदर. और डायरेक्ट हिट यहाँ पे अंपायर का डिसीजन आउट. यहाँ पे जो मुंबई ड्रीम्स की हालत मुझे इंडिया के जैसे दिख रही है. यहाँ पे बुमराह और शामी, किसी को शामी बनना पड़ेगा और किसी को बुमराह बनना पड़ेगा. बहुत ही अच्छे प्लेयर दोनों ही टीम में. भाऊ बैटिंग करने आएंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भाऊ. एक पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पे मुंबई ड्रीम्स की टीम को. एक पार्टनरशिप की जरूरत है. देखना है वो पार्टनरशिप कर पाते या नहीं. लेकिन रॉयल चैलेंजर्स यहां पे फ्रंट फुट पे दिखती. फिर एक बार मुनाफ तैयार. देखते हैं अरविंद क्या कर पाते हैं यहां पे. जोरदार एक शॉट था. ये बॉल भी सीधा धीरज के हाथ में आई और कहीं से भी यहाँ पे मुंबई ड्रीम्स रिस्क नहीं लेना चाहती है. भाई से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें होंगी पूरी की पूरी टीम को. देखते हैं यहाँ पे भाई क्या कर पाते अपनी टीम के लिए. और एज लगा मिला 1 रन. इसी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 11 रन. डिक्लेयर जोन में गया 1 रन. और इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त. एक बॉल बाकी है. एक बॉल 1-2 गो. आखिरी बॉल लेके आएंगे मुनाफ.
यहां से एक भी छह अब तक लगा नहीं है टूर्नामेंट का, और एक एक रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 12 रन, तीन ओवर 12 रन। विनोद, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपने बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में कमेंट्री की हुई, आपको क्या लगा यहाँ से मुंबई ड्रीम्स को क्या करना चाहिए मैच को आगे बढ़ाने के लिए या फिर एक अच्छा टोटल देने के लिए? जे आवश्यक आहे फलंदाजी जिथे स्ट्रेंथ आहे मुंबई ड्रीम्स इथे स्ट्रेंथला पूर्णपणे या ठिकाणी ब्रेक केला आहे मी लॉस्ट अंडर टीमने। आता एक पार्टनरशिप भागीदारी या ठिकाणी आवश्यक आहे, तेही देखील धडाकेबाजी बॅटिंग करावी लागेल। हर्ष गांधी या ठिकाणी पहिलाच बॉल टाकत असताना अंपायरचा सिग्नल आलाय नो बॉल आणि नो दिलेला येस आणि नो प्लस वन म्हणजे दोन धावा या दरम्यान भेटतील आणि फ्रीट नाही आहे लक्ष द्यायचं आहे। आणि पहिलाच बॉल हर्ष गांधी की छोटासा आहे, अजून वय थोडा कमी, अंडर 18 ची स्पर्धा देखील गाजवली होती या खेळाडूने, मात्र असं म्हणला होता जेवढा तुम्ही सोन्याला मतलब घासत राहणार तेवढे तिथली चमक वाढेल, असा हाच हर्ष गांधी देखील तसाच प्रकारचा एक गोलंदाज आहे। हर्ष पुन्हा एकदा तयार बॉलिंगसाठी आयटम राऊंड द विकेटनी या बिली जबरदस्त बॉल ब्रेक पद्धतीचा या ठिकाणी बॉल पहिला भेटला होता, पहिला बॉल आपण पहिला लेग ब्रेक पद्धती, यानंतर लगेच विदेशन करण्याचा प्रयत्न आणि तेही देखील सक्सेसफुल झालाय आणि एक धावा मुंबई ड्रीम्सच्या खात्यामध्ये देखील आलाय धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 15 रन। या वेळेला जेव्हा फटका फुलर लेनचा बॉल होता, ओ पिच बॉल होता, त्या बॉलवर पूर्णपणे या ठिकाणी तुटून पडला भाऊ, त्याच्या बॅट मधून दमदार षटकार या ठिकाणी आलाय आणि या स्पर्धेमधील पहिला षटकार भाऊच्या बॅट मधून, हे देखील खूपच खराब बॉल होता। तीन बॉलरचा पहिला तीन षटकारचे बॉलरचा बोलबाला राहिला होता, मात्र या चौथ्या ओव्हरमध्ये सुरुवात तर दमदार केली आहे। हर्ष गांधीवर हल्ला चढवला जात आहे, दोन बॉल आतापर्यंत हर्ष या ठिकाणी टाकतोय आणि दोन बॉल मध्ये तब्बल धावा खर्च करतोय 9। हर्ष पुन्हा एकदा तयार, यावेळी मात्र जबरदस्त बॉलिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र अवांतर आउटसाइड द लेग स्टंप बॉल एक्स्ट्रा या धावामध्ये कंट्रोल करत नाही आहे, जास्त धावा एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये खर्च करतोय हर्ष। पुन्हा एकदा तयार भाऊसाठी, यावेळी हा जेव्हा बॉल होता या ठिकाणी अपील केलं जात आहे पाहुया पंचांचा सिग्नल काय येईल या ठिकाणी। पूर्णपणे बीट केलाय फलंदाज भाऊला या ठिकाणी, एक षटकार खाल्ल्यानंतर थोडासा कमबॅक या ठिकाणी नक्कीच आपल्याला पाहायला भेटत आहे। या तीन बॉल या ओव्हर मधील झालेले आहेत, अजूनही तीन बॉल बाकी आहे। भाऊ पुन्हा एकदा तयार, हर्ष टू भाऊ, पुढे खेळ खेळण्याचा प्रयत्न, जबरदस्त पॅडल स्विपचा फटका या दरम्यान पाहायला भेटत आहे आणि या दरम्यान या बॉलवर एक रन आणि या एकने धावसंख्या पुढे सरकत आहे स्कोर बोर्डवर तब्बल 23 धावा। नक्कीच तीन ओव्हरमध्ये सुहास चंद्र पूर्णपणे दबाव जो होता, जे प्रेशर होता ते बनवला होता पहिल्या तीन ओव्हरमध्ये आणि चौथ्या ओव्हरमध्ये कुठेतरी जास्त एक्स्ट्रा धाव आणि एक षटकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा या मॅचमध्ये कमबॅक केलाय मी म्हणेल मुंबई इंडियन्स टीमने। हर्ष तयार, यावेळी चांगला फटका होता, मात्र तिकडे क्षेत्रक्षेत पाहण्यात होते, अरविंदलाही देखील जावे लागेल डगाऊटमध्ये। जे पार्टनरशिप चांगली या ठिकाणी सुरू होती त्या पार्टनरशिप या ठिकाणी कुठेतरी ब्रेक दिलेला आहे हर्षनी आणि एक विकेट आपल्या नावावर केलाय। धावसंख्या स्कोर बोर्डवर तब्बल 23 धावा पाहायला भेटत आहे, अजूनही या ओव्हरमधील एक बॉल बाकी। नवीन फलंदाज बॅटिंग साठी सेवाग उतरला, शेवटचा बॉल या ओव्हर मधील धावसंख्या स्कोर बोर्ड वर आहे 23 धावा। नक्कीच थोडासा जे दबाव होता ते दबाव थोडासा ट्रान्सफर केलाय मी म्हणेल मुंबई ड्रीम्स ने, या ओव्हर मध्ये जास्त धावा बनवलेल्या आहेत या ठिकाणी चेक केला जात आहे पंचांचा सिग्नल डेड बॉल। शेवटचा बॉल सेवाग साठी,
यावेळी लादला फटका टॅप केला जात आहे जागेवर आणि या दरम्यान एक बाबा खूपच लेट कट हा म्हणावा लागेल सेवाच्या माध्यमातून त्यांनी पाहिलं भरपूर जवळ आले होते बॉल स्टम्पच्या जवळ आला होता त्यानंतर शेवटच्या मुंबईला बॅटची बेड ओपन केली टॅप केला बॉलला या दरम्यान एक धावा कम्प्लीट केला जात आहे तर चार ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे तब्बल 24 धावा येस रजीश भाई चार ओवर यहाँ पर हो चुके हैं जो तीन ओवर में दबाव जो बनाया था उस दबाव को कहीं पर मैं कहूंगा ट्रांसफर किया है अब मुंबई ड्रीम्स ने क्योंकि चार ओवर के समाप्ति के बाद रन बन गए यहाँ पर टोटल 24 आखिरी ओवर क्या होगा और कितना टारगेट यहाँ पर सेट करने की चाहत होगी मुंबई ड्रीम्स की भाऊ ने पूरा फायदा उठाया यहाँ पे एक्सपीरियंस का भाऊ को पहले से पता था कि इन एक्सपीरियंस बॉलर है और भाई ने पूरा फायदा उठाया और स्कोर बहुत ही अच्छा हो चुका मुंबई ड्रीम्स का यहाँ पे ये ओवर में एक 12-15 रन भी अगर आ जाएगा तो मुझे लगता है सिराज भाई बहुत ही ज्यादा खुश होंगे अपनी टीम के परफॉर्मेंस से फिर एक बार सहवाग तैयार बहुत ही जोरदार शॉट था ये मिलेगा सिर्फ एक रन कहीं ना कहीं एक छह और चाहिए यहाँ पे मुंबई ड्रीम्स को कहीं ना कहीं मैच में आने के लिए और बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस था जैसे कि मैं बोल रहा था कि किसी को बुमराह बनना पड़ेगा किसी को शामी बनना पड़ेगा तो यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप हुई भाऊ और अरविंद के बीच में और वो पार्टनरशिप के वजह से बहुत अच्छा एक टोटल आया चार ओवर 24 चार ओवर एक बॉल 25 रन हो चुका है फिर एक बार भाव तैयार देखते क्या कर पाता अपनी टीम के लिए पूरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए यहाँ पे भाव फिर एक बार यहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए बैकफुट से खेलने की कोशिश थी पूरी तरह से बीट हुए और बोल हुए भाव और नंबर 18 जर्सी नंबर 18 मुद्दू आएंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन 18 नंबर विराट कोहली का भी है मुद्दू का भी 18 नंबर है वो राइट हैंडेड मुद्दू लेफ्ट हैंडेड देखते हैं अपनी टीम के लिए यहाँ पे क्या कर पाते हैं यहाँ पे अगर एक छह अगर आएगा तो मुंबई ड्रीम्स ये जो मैच है ये मैच में आज आ जाएगी फेरेगा बैकफुट से खेलने की कोशिश थी मिलेगा सिर्फ एक रन यहाँ पे ओवर थ्रो देखना है भाग को पता ही नहीं एक रन को दो रन में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर रॉयल स्टार्स को अगर ये मैच में रहना है तो मिस फील्डिंग नहीं करनी पड़ेगी फिर एक बार मुद्दू तैयार देखते हैं क्या कर पाते हैं ये बॉल पे और ये शॉट की बात हो रही थी बॉल गया सीधा 6 रनों के लिए इसी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 33 हो गया स्कोर और जैसे कि मैं बोल रहा था कि 12-15 रन भी अगर आएगा तो पूरी मुंबई ड्रीम्स की टीम बहुत ही खुश होगी तीन ओवर तक कहीं ना कहीं पूरे मैच में थी रॉयल स्टनर्स चौथे ओवर से एक अच्छा स्टार्ट मिला बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पे मुद्दू फिर एक बार जोरदार प्रहार बॉलर और यहाँ पे देखना है थ्रो बहुत ही ज्यादा वीक थी दो रन चुरा लिया अपनी टीम के लिए स्कोर बढ़कर हुआ 35 रन 35 रन और अरफात बहुत ही निराश अपनी टीम के परफॉर्मेंस से क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो टीम है मुंबई ड्रीम्स ये मुंबई में एक टॉप लेवल की टीम है बहुत अच्छी बॉलिंग साइड भी इनकी देखते ही ये बॉल पे मुद्दू क्या कर पाते देखते ये बॉल पे मुद्दू क्या कर पाते फिर एक बार मुद्दू तैयार बॉलर तैयार फिर एक बार बैकफुट से आके सेम शॉट खेला और यहां पे डायरेक्ट हिट और तीसरे रन की कोशिश लेकिन सहवाग इंटरेस्टेड नहीं थे और इसी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 37 हो गया स्कोर पांच ओवर 37-38 का यहां पे टोटल है देखते हैं 38 बना पाते हैं या नहीं बना पाते रॉयल स्टार्स की टीम लेकिन कहीं ना कहीं विनोद मैं बोलना चाहूंगा आपको कि रॉयल स्टार्स में एक बैट्समैन अरफात जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे पिछले सीजन भी और बहुत ही सेंसेबल क्रिकेट खेलते हैं बहुत ही दिमाग से क्रिकेट खेलते हैं जितने भी जो इन एक्सपीरियंस बैट्समैन है नए बैट्समैन सबको समझा के पकड़ के मैच खेलते हैं देखते हैं आज वो अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं आपको क्या लग रहा है विनोद ये दोनों टीम में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम ऊपर जाएगी कौन सी टीम ये मैच यहां से बना सकती है आपको क्या लग रहा है ये कहना तो नामुमकिन है क्योंकि इस टूर्नामेंट का नाम ही जो जीता वो सिकंदर
टर्निंग पॉइंट जिस प्रकार रॉयल चैलेंजर्स ने शुरुआती दौर में 3 ओवर में अपने नाम का दबदबा यहां पर जरूर बनाया था, लेकिन उसके बाद जो 2 ओवर रहा वो मुंबई ड्रीम्स के नाम पर रहा और उस 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश और सक्सेसफुल भी हुई और जरूर दोनों ही दो महंगे ओवर जरूर देखने मिले हमें रॉयल चैलेंजर्स टीम के माध्यम से। और उसी के बदौलत यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर रन है 37 और 38 रनों का टारगेट का चेस करना है। हालांकि 38 रन ज्यादा लंबा स्कोर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मुंबई ड्रीम्स की अंडर में जिस प्रकार से उनका नाम है, जिस प्रकार से उसकी बॉलिंग लाइनअप हो गई, ये बैटिंग लाइनअप है, सभी स्टार कास्ट प्लेयर हैं उनकी टीम में, कुछ भी वक्त कौन से भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, ये हौसला और ये दबदबा जरूर रखते हैं सभी खिलाड़ी मुंबई ड्रीम्स के। और बैटिंग के लिए 2 बल्लेबाज इस वक्त विकेटों के बीच उतर चुके हैं, आराफत खान खुद टीम के कैप्टन और साथ ही साथ धीरज जैन जो कि काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर के रूप में हम मीरा भाईंदर में उनको देखते हैं खेलते वक्त, लेकिन आज एक बड़ी टीम के सामने परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है। धीरज जैन को भी देखना होगा अपनी टीम के लिए यहाँ पर इस 38 रनों का योग पीछा करते हुए कितना रनों का योगदान देंगे या एक अच्छी बैटिंग की अपेक्षा जरूर होगी, क्योंकि एक और बात की जाए तो मुंबई ड्रीम्स सारे खिलाड़ी आउट ऑफ भाईंदर के हैं और रॉयल चैलेंजर्स टीम की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ 90% प्लेयर्स अभी मीरा भाईंदर के ही है जरूर है। विनोद आपने बहुत सही बात बोला कि एक तरफ है पूरा मीरा भाईंदर की टीम जो एक तरफ है, मीरा भाईंदर के बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स जितने जो टॉप लेवल के प्लेयर्स है वो खेल रहे हैं यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स की टीम में, और मुंबई ड्रीम्स में तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, टर्फ क्रिकेट में एक बहुत ही बड़ा नाम है मुंबई ड्रीम्स, और एक्सपीरियंस एक तरफ है, बल्क ऑफ एक्सपीरियंस और एक तरफ है एक बहुत ही बोलते हैं ना एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है मुंबई ड्रीम्स, और सुशांत बॉलिंग करेंगे पहली ओवर लेके आएंगे मुंबई ड्रीम्स के लिए, 38 का टारगेट है रॉयल चैलेंजर्स के लिए, 30 बॉलों में 38 रन चाहिए, और दो बैट्समैन जो उतरे हैं एक है स्ट्राइक पे अरफात, नॉन स्ट्राइक पे धीरज। पिछला सीजन जो था वो धीरज के लिए भी बहुत अच्छा गया था और अरफात के लिए भी बहुत अच्छा गया था, और सेम ग्राउंड था और बहुत ही क्लासिकल शॉट्स देखने मिले थे हमें धीरज के द्वारा, देखना है आज वो शॉट क्लासिकल शॉट खेलते हैं या फिर सिंगल डबल खेलते हैं, क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये क्रिकेट है, क्रिकेट ऐसा गेम है कुछ बोल नहीं सकते, 30 बॉल पे सिर्फ 38 रनों की जरूरत है, देखना है क्या कर पाते हैं यहाँ पे, सिंगल डबल खेलते या फिर पहली बॉल से मारने जाते, लेकिन जहां तक मैंने अरफात की बैटिंग देखा है बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेलते, पहली ओवर पहला बॉल जोरदार प्रहार, बॉल सीधा गए ग्राउंड के बाहर, इसी के साथ एक बड़ा विकेट मिलता हुआ अरफात के रूप में और अरफात को भी जाना पड़ेगा ग्राउंड के बाहर। विनोद आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब 1, 2 या 3 ओवर रुक के खेलना चाहिए रॉयल चैलेंजर्स को, एक अच्छा टोटल लाना चाहिए, 20-25 रन का स्कोर बनाना चाहिए 3 ओवर में, उसके बाद भी फिर ऑटोमेटिकली मैच में आ जाएंगे क्योंकि सिर्फ 8 रन ऊपर है, अगर सिंगल डबल भी खेलते तो भी यहाँ से मैच वो जीत सकते, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बैटिंग लाइनअप तो मैं कहूंगा अभी तक स्ट्रांग है रॉयल चैलेंजर्स के में, काबिलियत है सभी बल्लेबाजों में कि 38 रन को चेस कर सकते हैं, ऐसा लगा था कि ये सिक्सर होगा लेकिन हवाओं के साथ गेंद बातें करते हुए आउट ऑफ द पार्क चली गई, यानी काफ़ी लाजवाब स्ट्रोक, पहले ही गेंद पर कैप्टन ने अपनी इनिंग खेलने की कोशिश की थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे, और एक बड़ी विकेट में जरूर मैं कहूँगा मुंबई ड्रीम्स के खाते में यहाँ पर मिली है, और पहले ही ब्रेक बॉल पर पहला ब्रेक तो यहाँ पर सुशांत के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त किया मुंबई ड्रीम्स टीम ने। जी हाँ, बॉल हवा से बात करती हुई, फिर एक बार जोरदार प्रहार मारने शॉट खेलने की कोशिश थी लेकिन हवा, जैसे कि आपने बोला हवा से, पहली बॉल ने हवा से बात किया, दूसरी बॉल ने भी हवा से बात किया और बॉल अंदर रह गई और स्कोर बढ़कर हुआ 1 रन 2 बॉल 1 रन। टाइमिंग शॉट खेलने में बहुत ही ज्यादा माहिर है धीरज, देखना आज क्या कर पाते अपनी टीम के लिए।
और अच्छा शॉट सीधा हितेश पाटिल के हाथ में, और ये ऐसा लग रहा है विनोद तू चल मैं आया वो वाली बात हो रही है। कोई बैट्समैन मूड में नहीं दिख रहा मुझे कि मतलब एक अच्छा स्कोर 3 या 4 उन्होंने बना दिया उसके बाद में कहीं ना कहीं ये मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग करे, थोड़ा टफ करे, क्योंकि दो बहुत ही अच्छे विकेट रॉयल चैलेंजर्स के, दो बहुत ही अच्छे विकेट दोनों ओपनर यहाँ पे डगआउट में जाते हुए। क्या लग रहा है अभी यहाँ से आप, अगर अगर आपको एक सजेशन देना रहे, क्या सजेशन देंगे अभी यहाँ से आप? संयम या ठिकाणी वाकल्या बॅटिंग करत असताना टीमला, कारण जे जबाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीने बॅटिंग जर केली तर हे धावा देखील पूर्ण होऊ शकतात। 38 रन हे अवघड नाही आहे, मात्र बॅटिंग चांगली झाली तर धावा देखील चेस होऊ शकतात। बहुत अच्छी बात बोला आपने, बॅटिंग जर अच्छी होगी तो चेस हो सकता है। और यहाँ पे कैच ड्रॉप नहीं हुआ है, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, पैर पे लगा है, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, वाइड बॉल। यहाँ पे विनोद ने बहुत अच्छी बात बोली, अच्छी बैटिंग करेंगे तो ये मैच में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, जीत सकते हैं मैच। रॉयल चैलेंजर्स बड़ा कोई टारगेट नहीं है, सेंसिबल बैटिंग करते हैं यहाँ पे जो नए बैट्समैन उतरे। तेजस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, फिर एक बार अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। एक बहुत ही कम उम्र में तेजस ने ये जो प्लेटफॉर्म प्राप्त किया है, बहुत ही कम उम्र में प्राप्त किया है, देखना है क्या कर पाते हैं अभी। बहुत ही अच्छा शॉट, ये बॉल पे मिलेगा 6 रन। इसी के साथ फिर एक बार रॉयल चैलेंजर्स की टीम मैच में आते हुए और ओवर की समाप्ति पे स्कोर होता हुआ 1-2 गो, 5 बॉल हुआ है, 1-2 गो। पांच बॉल 10 रन, आखिरी बॉल डालेंगे सुशांत, तेजस फेस करेंगे आखिरी बॉल। फिर एक बार बैकफुट से खेलने की कोशिश थी, सीधा सुशांत के हाथ में, इसी के साथ ओवर हुआ और ओवर की समाप्ति में स्कोर होता हुआ 10 रन। बहुत अच्छा स्कोर है इन्होंने दिए 10 रन, सिर्फ 28 रनों की और जरूरत है, 24 बॉलों में 28 रनों की जरूरत, सिर्फ 4 रन ऊपर है बॉल टू बॉल अगर हम काउंट करें तो। और यहाँ पे और एक बहुत ही अच्छे बॉलर भाऊ, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। भाऊ को आपको क्या लग रहा है विनोद? भाऊ को जो हिसाब से अभी एक 6 मारा तेजस ने, तब ये टीम को क्या करना चाहिए? ओवर में 6 रन निकालना चाहिए, क्योंकि भाऊ बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है और अभी हम जैसा देख रहे हैं बहुत अच्छी बैटिंग भी किया उन्होंने, तो क्या लग रहा है आज भाऊ का दिन है, वो हिसाब से सिंगल डबल खेलना चाहिए या फिर इनको भी जैसा पिछले ओवर में एक 6 मारा तेजस ने वैसा ही बैकफुट से आके इनको भी चार्ज करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? प्रत्येक खेळाडूचा दिवस असतो, कारण भाऊला देखील आपण पाहिलंय यावेळी चांगला फटका आणि तेही देखील आलाय, म्हणजे या ठिकाणी पाहूया अंपायरचा सिग्नल, धावून काढायचे धावा 1 रन या दरम्यान कम्प्लीट केला जात आहे। सुपर मार्केटच्या मागे जे टफ आहे तिकडे आपण रॉकीचा टफ, त्या टफ मध्ये देखील आपण पाहिलेलं आहे भाऊ यांच्यावर हल्ला चढवला होता जैनम शाहने, 6 बॉल व 6 षटकार लगावण्याचा विक्रम देखील आहे तेही देखील भाऊला, मात्र आज पुन्हा मात्र कमबॅक करेल मुंबई ड्रीम सारख्या एक मोठ्या बलाढ्य टीम मधून रिप्रेझेंट करतोय आणि आज पाहूया कशा प्रकारे या ठिकाणी बॉलिंग करेल, कारण पहिल्या बॉलवर 1 रन आली आहे आणि त्या ठिकाणी जर विचार केला तसदीक याने देखील एक चांगला प्रेझेन्स ऑफ माइंडचा डोक्याचा वापर केला, कारण एका बाजूने फुल पूर्णपणे चार्ज आहेत तेजस, मोठे फटके त्यांच्या बॅटमधून येत आहेत। तेजस यहाँ पे सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें पता है कि अगर यहां से अगर विकेट जाएगी तो टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाएगी, तो बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं और सेंसिबल क्रिकेट खेलना भी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी टीम है मुंबई ड्रीम्स और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बॉलर है मुंबई ड्रीम्स में, तो यहां से मैच अगर सेंसिबल खेलेंगे, मैच को पकड़ के खेलेंगे तो ही ये मैच का रिजल्ट रॉयल चैलेंजर्स के पक्ष में आएगा। फिर एक बार तेजस तैयार, वाइड बॉल का इशारा यहां पे अंपायर का, मुंबई ड्रीम्स अगर ये मैच जीतना है तो एक्स्ट्रा पे थोड़े कंट्रोल करने पड़ेंगे।
और यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रहा था विनोद आपको कि आज भाव का दिन लग रहा मुझे, बॉल थोड़ी उठ के आई, एज लगी, बॉल गई बाहर। इसी के साथ में एक और विकेट गिरता हुआ तेजस के रूप में, जो कि अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, पिछले ओवर में एक छह मारा था अपनी टीम के लिए और टीम को एक ऐसे स्टेज पे ले गया था जहां से सिंगल डबल से मैच हो सकती थी। एक बड़ा विकेट मिलता हुआ तेजस के रूप में भाव को, और कहीं ना कहीं ये मैच जो है ये 50-50 होता हुआ अभी शुरू में ऐसा लग रहा था। जब तेजस ने एक ओवर में 10 रन जब बन गए थे रॉयल चैलेंजर्स के, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मैच पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स के पक्ष में जाएगा। नए बैट्समैन आए हैं यहाँ पे अब्दुल्ला, देखते हैं क्या कर पाते हैं अब्दुल्ला। नो बॉल का इशारा है यहाँ पे अंपायर का, नो बॉल का इशारा अंपायर का यहाँ पे, और देखना है अंपायर का इशारा वैलिड है, बॉल वैलिड है। 1-2 गो, आखिरी बॉल, दूसरी ओवर की आखिरी बॉल, बैक फुट से लेग में फ्लिक करने की कोशिश थी, यहाँ पे ओवर होता हुआ, बहुत ही अच्छा ओवर ये मुंबई ड्रीम्स के लिए। स्कोर बढ़कर हुआ 13 रन हुआ, सिर्फ 13 रन, सिर्फ 3 रन आए ओवर में, भाव का बहुत ही अच्छा ओवर था ये। और इसी के साथ बॉलिंग पे आएंगे मैन फ्रॉम उल्लासनगर लेबो, जो कि 31 कप में 6 बॉलों पर 6 विकेट लिया था लेबो ने, देखना है आज क्या कर पाते अपनी टीम के लिए, क्योंकि अगर मुंबई ड्रीम्स को ये मैच में बने रहना तो विकेट लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। फिर एक बार लेबो तैयार, अब बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे लेबो, एक रन मिला। फिर एक बार अब्दुल्ला आएंगे स्ट्राइक पे, देखना है क्या कर पाते हैं यहाँ पे अब्दुल्ला अपनी टीम के लिए। दूसरी बॉल डालेंगे लेबो, बड़ा शॉट करने की कोशिश थी और यहाँ पे मिले या 6 रन, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पे अब्दुल्ला। कहीं ना कहीं जब अब्दुल्ला बैठे तो ऐसा लगा बॉल जाएगी सीधा ग्राउंड के बाहर, लेकिन एक बहुत अच्छा शॉट। रॉयल चैलेंजर्स की पूरी टीम ये मैच में फिर एक बार आती ही, क्योंकि उन्हें पता है कि ये 6 कितना इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं अभी बॉलर भी प्रेशर में रहेंगे क्योंकि रन तो उतना ज्यादा बनाए नहीं है मुंबई ड्रीम्स की टीम ने। दोनों ही टीम अपनी टीम को ग्राउंड के बाहर से भरपूर सपोर्ट देते हुए चेयरअप करते हुए फिर एक बार लेबो ले जाएंगे तीसरी बॉल, लेग में फ्लिक किया फारूक यादव बॉल, और यहां पे डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी, सॉरी दानिश का हाथ बॉल था, डिलीट हिट होती तो कहीं ना कहीं आउट हो जाते थे, और यहां पे लेट कट करने की कोशिश थी, अगर एज लगता तो या तो फिर गैप में से बॉल निकल जाती या तो फिर सहवाग के हाथ में बॉल आती। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी और यहां पे मिलेगा सिर्फ एक रन, और ये एक रन से स्कोर बढ़कर हुआ 22, 22 रन, 1-2 गो, आखिरी बॉल है, 22 रन हो गए स्कोर। देखना है क्या कर पाते लेबो यहां पे, अब्दुल्ला बहुत अच्छे फॉर्म में दिखते हैं। फिर एक बार जोरदार प्रहार, बैट के बीचों बीच में मिडल हुक किया बैट को, 6 रन मारा, और इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति, स्कोर बढ़कर हुआ 28 रन, 12 बॉलों में 10 रनों की जरूरत, यहां पे 28 रन हो चुका है स्कोर, 12 बॉलों पर 10 रनों की जरूरत रॉयल स्टेनर्स की टीम को, और यहां पे बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए अब्दुल्ला अपनी टीम के लिए 2-6 मारा अब्दुल्ला ने, यहां पे बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए पूरी की पूरी टीम को यहां पे एक चेयरअप करने का, खुश होने का मौका दिया यहां पे अब्दुल्ला ने। देखना है क्या कर पाते, बहुत सारे मैचेस हमने देखा है जहां पे मुंबई ड्रीम्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, देखते क्या कर पाते। ये जो कॉन्टेस्ट है ये है मुंबई ड्रीम्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स, एक तरफ है एक्सपीरियंस का भंडार है पूरा एक मुंबई ड्रीम्स के पास में,
देखना वो एक्सपीरियंस कितना फायदा करता है मुंबई ड्रीम्स को यहाँ पे। 12 बॉलों पर 10 रनों की जरूरत। चौथी ओवर लेके आएंगे मुंबई ड्रीम्स के लिए ऋतिक, चौथी ओवर लेके आएंगे। तस्दीक बैटिंग करेंगे यहाँ पे। तस्दीक को ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। विदल आपको क्या लग रहा है? सिंगल निकाल के अब्दुल्ला को देना चाहिए, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला। क्या लग रहा है आपको यहाँ से क्या करना चाहिए रॉयल चैलेंजर्स को? 12 बॉलों पर सिर्फ 10 रनों की जरूरत। काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पर जरूर अब्दुल्ला ने यहाँ पर पेश किया और इस वक्त यहाँ पर न जाकर बर्स्ट आउट देखने मिलता हुआ, लेकिन आउट ऑफ द पार एक विकेट अपने नाम करते हुए आते ही आते इस वक्त तस्दीक को भेजा है डगआउट में। रोहित शर्मा जिस प्रकार से मैच में पकड़ बना रही थी, अब पहली बॉल पर विकेट जाने का फिर से एक बार कोशिश यहां पर जरूर की है दोनों ही टीमों ने। यहां पर अपना ताकत जरूर लगाते हुए एडी जोटी की यहां पर मैं कहूंगा ताकत लगाते हुए इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि लीग मैचेस है, मौका एक और जरूर होगा दोनों ही टीमों के पास। लेकिन पहले ही मुकाबले से अपना नाम यहाँ पर परचम अपनी टीम का लहराना चाहते थे। इस वक्त रोहित शर्मा की टीम की बात की जाए तो हर्षद भाई अपनी टीम को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए, और मुंबई ड्रीम्स की बात की जाए तो यहाँ पर सिराज शेख अपनी टीम को यहाँ पर चीयर अप करते हुए दोनों ही टीमों के डगआउट में यहाँ पर जरूर थोड़ा सा कभी रोहित शर्मा के डगआउट में खुशी तो कभी मुंबई ड्रीम्स के डगआउट में खुशी यहाँ पर देखना होगा एंड में किस डगआउट में खुश होंगे, क्योंकि यहाँ से गेंदे यहाँ पर रहेगी टोटल 11 गेंदे और 10 रनों की इस वक्त आवश्यकता। एक अच्छी ओवर की यहाँ पर आवश्यकता है ड्रीम्स इलेवन टीम के लिए, और बैटिंग में रोहित शर्मा टीम भी चाहिए कम से कम इस ओवर में 6 से 7 रन बटोरा जाए। देखना होगा मैच का दृश्य क्या होगा, और हमारे साथ फिर से एक बार रंजीश यहाँ पर जुड़ते हुए। जी हाँ, जैसे कि आपने बोला दोनों ही टीम एनर्जी से भरी हुई टीम है, और मैंने पर्सनली देखा है रोहित शर्मा यहाँ पे डायरेक्ट हिट होता तो कुछ हो पाता। अंपायर का डिसीजन देखना है क्या है, अंपायर का डिसीजन देखना है यहाँ पे क्या है, आउट है या नॉट आउट है अंपायर का डिसीजन। और यहाँ पे अंपायर जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेते हुए, थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखे मुझे यहाँ पे अंपायर, और ये नॉट आउट। और फिर एक बार मैन इन फॉर्म अब्दुल्ला आएंगे बैटिंग करने, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे अपनी टीम के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि ये दोनों ही टीम बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरी हुई, मैंने पर्सनली देखा है रॉयल चैलेंजर्स के जो ओनर है बहुत ही ज्यादा लग के खेलते हैं मैच में, देखते हैं आज उनकी जो एनर्जी है कितना काम आती है अपने प्लेयर्स के लिए। और यहाँ पे अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल, अगर ये मैच जीतना है मुंबई ड्रीम्स को तो एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स की टीम, और खुश होना भी चाहिए, एक टॉप लेवल के दो बैट्समैन आउट होने के बाद में बहुत ही अच्छी बैटिंग किया यहाँ पे यहाँ अब्दुल्ला ने, स्वीप शॉट खेला, एक रन मिला, स्कोर बढ़कर हुआ 31। नौ बॉलों में 7 रनों की जरूरत, 9 बॉलों में 7 रनों की जरूरत है यहां पे। और हेमंत आएंगे बैटिंग करने, हेमंत भी काफी टफ क्रिकेट खेले, हेमंत ने एमपीएल में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, देखना आज क्या कर पाते। एक बड़ा टूर्नामेंट है, टैप शॉट खेला, सेवा के हाथ में बॉल गया, मिला एक रन, और यहां से सिंगल सिंगल से रन बन जाएगा तो रिस्क लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है यहां पे बैटिंग टीम रॉयल स्टार्स को। फिर एक बार अब्दुल्ला तैयार, ऋतिक तैयार, कहीं ना कहीं एक अच्छी फील्डिंग लगानी पड़ेगी। फिर एक बार बैकफुट से आए, बहुत अच्छा शॉट, भाव के हाथ में बॉल गई, मिलेगा एक रन, बहुत अच्छी थ्रो यहां पे भाव की। हेमंत फिर एक बार तैयार, बैकफुट से फिर एक बार सेम शॉट खेलने की कोशिश थी, पिछले बॉल पे बैकफुट से आके टैप किया था, मिला था एक रन, लेकिन ऋतिक अपना पूरा एक्सपीरियंस यहां पे झोंकते हुए 6 बॉलों पे 5 रनों की जरूरत है यहां पे। ऋतिक बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर,
और कंपलसरी चीज है यहाँ पे, तो 5 रन बाय हुक और बाय क्रूक बनाने पड़ेंगे रॉयल चैलेंजर्स की टीम को। देखना कौन बॉलिंग करने आते हैं यहाँ पे मुंबई ड्रीम्स के लिए। यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं आपस में कौन बॉलिंग करने जाए, क्योंकि एक बहुत ही महत्व ओवर होगा ये, और देखना है कौन जीतता है ये मैच, क्योंकि ये टूर्नामेंट का पहला मैच है। देखते हैं, और हत्थी बॉलिंग करने आएंगे सूरज उपाध्याय, हत्थी बॉलिंग करने आएंगे, एक बहुत ही अच्छे बॉलर है। देखते आज क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। छह बॉलों में 5 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेस, 5 रन बनाने ही पड़ेंगे अगर ये मैच जीतने हैं रॉयल चैलेंजर्स को तो। और ये मैच के जो हीरो है वो अब्दुल्ला अभी भी स्ट्राइक पे है, काफी उम्मीदें थी रॉयल चैलेंजर्स की पूरी टीम को अब्दुल्ला से, और वो उम्मीदों पे खड़े उतरते हैं। पहली बॉल फेस करेंगे अब्दुल्ला, बॉलिंग करेंगे हत्थी सूरज उपाध्याय। बहुत अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट हिट होता तो यहाँ पे मैच में और रोमांचक आ जाता, रोमांचक भरा मैच हो जाता अगर डायरेक्ट हिट होता तो। 5 बॉलों पे 4 रनों की जरूरत, स्ट्राइक पे रहेंगे हेमंत। बहुत ही रोमांचक मैच है ये। फिर एक बार दूसरी बॉल डालेंगे हेमंत को, सूरज बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे, देखना है डायरेक्टेड, डायरेक्टेड 2 बॉल पे 2 रन आउट यहाँ पे बचा है। कहीं ना कहीं लग भी पूरे फेवर में रॉयल चैलेंजर्स के, 2 बॉलों में 2 हिट अगर हो जाती है, दोनों में से 1 हिट होती तो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाती थी रॉयल चैलेंजर्स की टीम। 4 बॉलों पे 3 रनों की जरूरत, और अभी भी दोनों बैट्समैन क्रीज पे, एक तरफ है अब्दुल्ला नॉन स्ट्राइक पे है हेमंत, बॉलिंग करेंगे सूरज, तीसरी बॉल डालेंगे। चार बॉलों पे 3 रनों की जरूरत है, और अब तो ऐसा हो गया कि अब्दुल्ला को तो मतलब यहां से पूरा खत्म करके आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, एक अच्छे पोजीशन पे लाया अपनी टीम को, बहुत ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे यहां पे अब्दुल्ला के अंदर। तीसरी बॉल डालेंगे सूरज, और यहां पे आगे तो गए थे लेकिन बॉलर ने पहली परख लिया, आगे आए। बड़ा शॉट मिलेगा 4 रन, और इसी के साथ पहला मैच जो जीता वो सिकंदर, मुंबई ड्रीम्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स, रॉयल चैलेंजर्स की टीम बहुत ही कंफर्टेबली ये मैच जीतते हुए, और ये मैच के जो स्टार है वो है अब्दुल्ला, बहुत अच्छी बैटिंग की अब्दुल्ला ने और अपनी टीम को एक अच्छी जीत दिलाई। ये जो दूसरा मैच होगा ये टर्फ एडिक्ट्स वर्सेस मुंबई ड्रीम्स होगा, फिर एक बार मुंबई ड्रीम्स दूसरा मैच अपना खेलेगी।